हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण कक्षा में। आज हम आप लोगों के जो पीटी वन का लास्ट से पहले वाला यानी कि पेनल्टीमेट चैप्टर है, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसका वाचन करने जा रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब बहुत सारी बातें किसी चीज़ के लिए बोली जाती है लेकिन हमको उन बहुत सारी बातों का प्रयोजन नहीं होता है, और उसके जगह पर केवल एक शब्द रख देने से ही वो ही मीनिंग उसी फीलिंग के साथ आता है, तो वहाँ पर हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको आप इंग्लिश ग्रामर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हेडिंग होता है उसके अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपके किताब में पृष्ठ संख्या 52 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि मेरा भाई बहुत मीठा बोलता है, वह अच्छे आचरण वाला है। फिर एक दिया है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह मृदुभाषी और सदाचारी है। तो यानी मीठा बोलता है, इतने बड़े चीज़ को ना बोलकर यदि हम बोलें कि मेरा भाई मृदुभाषी है तो वही काफ़ी है, और अच्छे आचरण वाला के जगह पर सदाचारी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, वह ऐसा व्यक्ति है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, ईश्वर उसे लंबी आयु दे। ठीक है, उसको हम इन शॉर्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के साथ कैसे कह सकते हैं? हाँ वह जिसका विश्वास किया जा सकता है, उसके स्थान पर होगा हाँ वह विश्वसनीय है। ठीक है, तथा लंबी आयु दे, ईश्वर उसे लंबी आयु दे, लंबी आयु दे उसको क्या बोलेंगे? इन शॉर्ट दीर्घायु दे। ठीक है, समझ गए आप? अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहा है कि यदि हम अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए पूरा वाक्य बोलते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है और सुनने वाले का कभी कभी धैर्य खो जाता है, तो उसी को यदि हम एक शब्द में कह दें तो वो ज़्यादा चुटीली लगती है, और उससे जो है हम जो आशय ग्रहण करना होता है वही सेम आशय हम उसमें भी ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, तो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं, अथवा इसका व्याकरण में एक और नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, वाक्यांश के लिए एक शब्द, दोनों का एक ही मीनिंग है। सो इन योर एग्जाम्स अगर क्वेश्चन में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं लिखकर आपको लिखा गया है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, जो मैं बहुत प्रेफर करती हूँ लिखना, तो तब आपको यही चीज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक, शिक्षा पाने वाला शिक्षार्थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें बहुत बल हो सबल, गांव का रहने वाला ग्रामीण, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, अत्याचार करने वाला अत्याचारी, जो कभी ना मरे क्या कहेंगे उसको अमर, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, और इसी का उल्टा है जिसके माता पिता हो वो होगा सनाथ। ठीक है, जो कम बोलता हो अल्पभाषी, जो मीठा बोलता हो मृदुभाषी, काम करने वाला कर्मठ, जो स्त्री कविता रचती है कवयित्री, जो पुरुष कविता रचते हैं कवि, काम से जी चुराने वाला कामचोर, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और न मानने वाला कृतघ्न। ठीक है, उसके बाद शहर में रहने वाला शहरी, नभ में विचरण करने वाला, नभ यानी आकाश, नभ में विचरण करने वाला नभचर,
जंगल में रहने वाला जंगली, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। और देखते हैं, जो देखने योग्य दर्शनीय, जहां जाना कठिन हो दुर्गम, जिसे पाना कठिन हो दुर्लभ, दोनों एक ही टाइप के शब्द है। गम धातु क्या क्या है, जाने को डिनोट करता है, गम धातु से जाना बनता है, तो दुर्गम माने जहां जाना कठिन हो, दुर्लभ मतलब जिसको लभ करना प्राप्त करना कठिन हो, ठीक है। दिन में एक बार होने वाला दैनिक, जैसे आप लोगों का क्लास दिन में एक बार होता है तो दैनिक होता है ये, ठीक है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि सप्ताह में एक बार होने वाला, वो है साप्ताहिक। महीने में एक बार होने वाला मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, ठीक है। 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक। देखिए ये सब आपके किताब में नहीं दिया है, लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है। जहाँ भी एक चीज़ आ जाता है उसके आसपास उसके रिलेटेड बाकी चीज़ों को भी जानने की इच्छा रखिए। और मेरे क्लास को आप लोगों को देने के बाद यदि आप लोगों को और भी ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जानने की इच्छा हो तो मुझे आप लोग जिस प्रकार बताते हैं अभी ई लर्निंग के ज़रिए वैसे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरीज़ को पूरा करने का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका दोष हो दोषी, जिसका दोष ना हो निर्दोष, जिसमें रस ना हो नीरस, जो पढ़ने योग्य हो पठनीय, पर्वत पर रहने वाला पर्वतीय, जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष, मांस खाने वाला मांसाहारी, तो फिर सब्जी खाने वाला शाकाहारी, ठीक है। जो बोलता ना हो मूक, ओके, भाषण देने वाला वक्ता और भाषण सुनने वाला श्रोता, जो बहुत बोलता हो मुख का उल्टा वाचाल, वर्ष में एक बार होने वाला आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, पुराण से संबंध रखने वाला पौराणिक, शरण में आया हुआ शरणागत, शिक्षा देने वाला शिक्षक, देखिए सनात यहाँ इस पेज में दिया है, समाज की सेवा करने वाला समाज सेवक, जो आसानी से प्राप्त हो सके सुलभ, दुर्लभ का उल्टा, चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमा, ठीक है। ये बहुत सारा जो शब्द भंडार है हिंदी का उसमें बहुत थोड़ा दिया है, एक बूंद भी नहीं, इसलिए जानने की इच्छा रखिए। और भी अगर जानना है तो बताइए, और इतना एटलीस्ट इतना आप पढ़ करके रेडी कीजिए ताकि हम अगले हमारे प्रकरण में इसके एक्सरसाइजेस को बुक की मदद लिए बिना ही समाप्त कर सकें, ठीक है। धन्यवाद।